सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंदों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब भी ये केस हुआ था 2016 में, तो करप्शन के खिलाफ मीडिया ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, मेरा साथ दिया था, आप सबका धन्यवाद है। और जहाँ तक सवाल है मामले का, ये करप्शन का मामला था। उस दौरान 2016 में सिरसा में आयकर विभाग में नितिन गर्ग डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट पे था और ये करप्ट अधिकारी था। उसमें खाली मैं ही परेशान नहीं था, पूरे देश अपने सिरसा में जितने व्यापारी थे सब उससे परेशान थे, सबको परेशान करता था। और जहाँ जहाँ भी ये पोस्टिंग उसकी रही है भारत में, तो वहाँ वहाँ ये ऐसे काम करता रहता था, तो वहाँ वहाँ इसकी पता चलता था भी ये बंदा जहाँ जा रहा है वहाँ पर लोग परेशान थे। तो जैसे सिरसा में आया तो वहाँ यहाँ भी इसने वैसे ही सिस्टम अपना डेवलप किया, हरासमेंट देनी, व्यापारी को नोटिस भेज देना, फिर उसको हरास करते रहना, परेशान करना, रिश्वत मांगना। तो कुछ व्यापारी परेशान होके डर के दे भी जाते होंगे, और ऐसे केस मेरे साथ हुआ। मेरा एक स्कूटनी का असेसमेंट केस लगा हुआ था इसके पास, बल्कि इसके पास नहीं था, वो आईटीओ के पास था, और इसने अपने लालच में, रिश्वत के लालच में केस अपने पास ट्रांसफ़र करवाया, जो कि इसका राइट बनता ही नहीं था, क्योंकि हमारी जो आईटीआर थी वो आईटीओ के दायरे में आती है, ना कि डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर के दायरे में आती है। फिर भी इसने धक्का करके अपने पास केस ट्रांसफ़र करवा के और हमें नोटिस भेजा, और नोटिस भेज के वही हरासमेंट जो उसका सिस्टम है, और पैसे की डिमांड बार 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 बार, तो सुबह बुलाना, शाम तक बैठाई रखना, व्यापारी परेशान हो जाता है। तो मैंने कहा गर्ग साहब, ऐसे आप सब कुछ सही है, ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हम, ना हमारे को ऐसी किसी कमी है किताबों में, बताओ आप हरास मत करो। तो नहीं, ये नहीं माना। तो आखिर आदमी परेशान होके कहीं ना कहीं ये सोचता है भी अब अपने को ये शोषण नहीं करवाना, अपने को इसे लड़ना है, इसकी शिकायत करनी है, सरकार का प्रोविजन है करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का। तो हमने वही किया, हमने CBI में इसकी कंप्लेंट की, ऐसे ऐसे करके ये अधिकारी है हमें परेशान कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके CBI ने प्लान तैयार किया और इसको ट्रैप प्लान में इसको अरेस्ट किया। 2 लाख रुपये रंगे हाथों लेते हुए इसको अपने बठिंडा जो इसका लैब है, ये सरकारी नौकरी के साथ साथ अपनी एक प्राइवेट लैब भी चलाता है, ये सिरसा में भी थी लैब ग्लोबल लैब के नाम से, और बठिंडा में भी थी ग्लोबल लैब के नाम से, घोड़ा चौक 100 फुटी रोड पे। तो वहाँ पे ये उस दिन मौजूद था जिस दिन मुझे इसने 2 लाख रुपये की देने के लिए बुला रखा था। तो वो 2 लाख रुपये रंगे हाथों लेते हुए ये रिश्वत में ये गिरफ्तार हो गया था CBI के द्वारा। तो CBI की चंडीगढ़ टीम जो स्पेशल टीम है एंटी करप्शन की, उसने इसको गिरफ्तार किया था। 2016 का मामला है। उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट में CBI पंचकूला कोर्ट में, जो स्पेशल हमारी जो CBI कोर्ट है, वहाँ पे ये केस चल रहा था। तो 5 साल के ट्रायल के बाद ये कल इसका फाइनल डिसीजन हुआ है, ट्रायल कंप्लीट हुआ है। तो उसमें इसको 4 साल की सज़ा हुई है, उसमें 2 धाराओं में इनको सज़ा हुई है, सेक्शन 7 में 3 साल की हुई है और सेक्शन 13 में 4 साल की हुई है। टोटल 7 साल की इसको सज़ा हुई है, और दोनों सेक्शन में ही इसको फाइन हुआ है, टोटल 3 लाख रुपये का इसको फाइन किया गया है। मांग ज़्यादा कर रहा था, लेकिन वो धीरे 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 जब हम उस लाइन पर नहीं आ रहे थे, तो लास्ट ही 2 लाख रुपये पर आ गया था, अभी 2 लाख तो लूँगा मैं, तो हम 2 लाख भी देना नहीं चाहते थे, तो उसी 2 लाख रुपये में ये फंसा है। उसके बाद जैसे ही इस पर इसको अरेस्ट किया, 2 लाख रुपये रेड हैंडेड में इसको अरेस्ट किया, तो उसी दौरान इसके सेम टाइम पे घर पे भी सर्च हुई, और बाकी जो ठिकाने थे इसके वहाँ भी सर्च हुई, सिरसा लैब पे भी सर्च हुई, क्योंकि CBI ने 4 टीमें अलग अलग जगहों के लिए तैनात की हुई थी। तो जब घर पे सर्च हुई, तो उसके दौरान घर पे काफ़ी बिना भी संपत्ति के पेपर और गोल्ड डायमंड और भी कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो कि ऐसे गधी संपत्ति को दर्शाते थे। तो उसके बाद इस केस के अलावा इसके ऊपर ऐसे अधिक संपत्ति का केस भी चल रहा है, उसका भी डिसीजन आना बाकी है। देखिए, ये जो करप्शन है खाली पर्टिकुलर एक किसी व्यापारी के लिए तो होती नहीं है, उसमें व्यापारी सभी परेशान होते हैं। तो मेरा तो ये एक मैसेज है, व्यापार मंडल को भी है, समाज में भी है,
बिक्रम सिंह के खिलाफ बिल्कुल जरूर लड़ना चाहिए, फाइट करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब देखो जो लड़ेगा, लड़ाई तो उसको लड़नी पड़ेगी। साल की एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी है और इस लंबी लड़ाई में हमें बहुत हरासमेंट मिली है। ऐसा नहीं है कि खाली एक कंप्लेंट के बाद हम आसानी से बैठे हैं। 5 साल इस बंदे ने हमें हरासमेंट दी है, हमारी शिकायतें की है, झूठे केस बनवाने की कोशिश की है ताकि मेरे खिलाफ कोर्ट में सब सबूत बन सके और उस सबूत के आधार पर ये बरी हो सके। बट हम डरने वाले नहीं थे, हमने अपना मन बना लिया था कि हम लड़ेंगे, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। और हमने PMO तक इसकी कंप्लेंट की, वित्त मंत्रालय में इसकी कंप्लेंट की हमने। तो उस हमारी कंप्लेंट के आधार पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सेक्शन होता है 56J, उसके तहत इसको जबरी रिटायर भी किया। एक अलग इन्वेस्टिगेशन चली है इसकी CBI कोर्ट के अलावा, तो उसको नौकरी से इस ट्रायल कोर्ट के फैसले से पहले ही जबरी रिटायर कर दिया था। तो ये भी हमारी शिकायत के दर पे हुआ है। तो मेरा समाज में भी ये कहना है, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, यदि करप्शन के खिलाफ आपको जाना है तो सब मिलके करेंगे तो एक दिन इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी या अकेला अकेला आदमी कभी लड़ेगा तो देखो जोर तो आता है, लड़ाई तो जो करता है उसी की रह जाती है, बाकी देखो कोई साथ नहीं देता। लेकिन हमने अपनी लड़ाई लड़ी है और हम जीते हैं, हम खुश हैं इस बात से।